चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जालौर में आहोर के मेघवालों के मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से लगातार घरों में पत्थरों की बारिश का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। किसी को नहीं पता कि ये पत्थर कौन बरसा रहा है, इससे कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ गई है। मोहल्लेवासी रात को छतों पर जाकर पहरेदारी करते हैं, फिर भी पत्थरों की बारिश जारी है। मोहल्ले के लोग इसे देवी देवताओं का प्रकोप मान रहे हैं, तो कुछ इसे शातिर बदमाशों की हरकतें मान रहे हैं। झालावाड़ की झालरा पाटन पंचायत समिति में राठौर तेली समाज सहयोग समिति का 29वां वार्षिक समारोह हुआ। बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली राठौर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील कार्यालय भवन जर्जर हो रहा है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बन रही है। जर्जर भवन की ओर संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा, लगता है कि विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है। बांसवाड़ा की दानपुर पंचायत समिति के राजकीय आदर्श माध्यमिक स्कूल में मासूमों ने 25 पेड़ लगाए। माता पिता की इच्छा से पेड़ लगाए, प्रिंजल ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। भरतपुर की नदवई पंचायत समिति में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अतिवृष्टि से पैदा हुए खतरे के हालात अब कुछ हद तक टल गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों के रास्तों में जलभराव से आवागमन ठप पड़ा है। भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति में रविवार को देर शाम तक होती रही जोरदार बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रूपारेल नदी में करीब 3 साल बाद में पानी आया, तो वहीं किसान वर्ग में इससे खुशी है। सीकर के पिपराली कस्बे में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद अब जिले भर के अस्पतालों में महिलाओं को देखने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। अतिरिक्त निदेशक के निर्देश के बाद ये जिला मुख्यालय के सभी अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा ये व्यवस्था सीएससी पर भी लागू रहेगी। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति में पशुओं में फैली बीमारी से पशुपालकों में दहशत है, करीब दर्जन भर पशुओं की मौत हो चुकी है। ग्लूकोज बीमारी को मौत का कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते पशुपालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सीकर के दूध कस्बे में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में आंखों का निशुल्क इलाज होगा। शिविर के आयोजकों ने बताया कि शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को सेवा करना है। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में निशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन जारी किए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी किए गए पहले दिन 29 परिवारों को योजना का लाभ मिला। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में बीकानेर से देगाना वाया रतनगढ़ डेमू ट्रेन चलाने की मांग की गई। पिछले 4 वर्षों से योजना आयोग में अटकी नोखा सीकर रेल लाइन को मंजूरी दिलवाने में सहयोग प्रदान करने की मांग की है। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना क्षेत्र के कांसिया ग्राम में बीती रात सराफा व्यापारी दीपक सोनी की दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। बारा की अंता पंचायत समिति के पिकनिक स्पॉट पर जबरदस्त भीड़ हो रही है। रविवार को सवेरे से ही लोगों का हुजूम पर्यटक स्थलों पर देखने को मिला। करौली के सपोटरा कस्बे में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने आखिर विश्राम लेने से लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन मोरेल नदी उफान पर होने के कारण पुलिया से पानी बह रहा है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के बरड़ क्षेत्र में लगातार बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले दिनों में हुई बारिश के बाद बरड़वासियों ने बुआई कर दी थी, उसके बाद से ही किसान बरसात की आस लगाए बैठे थे। पानी के अभाव में फसलें सूखने लगी थी, बरड़वासी बारिश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे। वहीं पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात ने किसानों को राहत दी है। राजसमंद की रेलमगरा पंचायत समिति क्षेत्र में गत दिनों 14 इंच तेज बारिश के बाद प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू करवा दिया। रेलमगरा में भीम तहसीलदार 6 RI की अतिरिक्त टीम लगाकर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बताया गया है कि रेलमगरा पंचायत समिति क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों का पटवारियों भू अभिलेख निरीक्षकों गांव के घर घर जाकर नुकसान की जानकारी के आंकड़े ले रहे हैं।
बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र में हिंडोली से कुम्हरला बालाजी के बीच तक बन रहे NH 148 भी इन दिनों काफी खस्ता हाल हो रहा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के अनुसार NH निर्माण कंपनी द्वारा सड़क निर्माण में डाली जा रही मिट्टी और झीकरे की सही पैचिंग नहीं करने से मार्ग पर कीचड़ से हालात बने होने से आवागमन में समस्याएं बढ़ी हैं। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में दो महीने से बंद बालेसर की सैकड़ों खाने फिर शुरू हो गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर खानों के बंद होने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। खानधारकों से लेकर बाजार में भी मंदी आई है। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने 500 खानधारकों को ईसी वितरण किए। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति में बारिश ने पुराने पड़े कचरे में पानी भर गया। पानी भरने से कचरे में बदबू उठने लगी। सफाई नहीं होने के कारण लोगों को असुविधा महसूस हो रही है। करौली के नादौती कस्बे में बारिश से सलाई की पाल टूट गई। पाल टूटने से कैमला गांव में पानी का बहाव आया, करीब 3 फीट पानी की चादर भरी। श्री महावीर जी नादौती सड़क मार्ग बंद पड़ा है। दौसा के लालसोट उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बरसात के कारण सरकारी कार्यालयों के साथ साथ अन्य कॉलोनियां जलमग्न हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बगड़ी में आने का टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झालावाड़ की अकलेरा पंचायत समिति में कामखेड़ा कस्बे के पास नांदेड़ा गांव में पुलिया क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका बनी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अकलेरा से बंद जागीर को जोड़ता है। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के मोड़ किराए पर बरसाती पानी का निकास नहीं होने से हुए जलभराव की शिकायत पर SDM राजीव आचार्य ने मौका देखा। समस्या प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने SDM से खेतरी रोड पर बने नाले की पूरी सफाई करवाने की मांग की। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में गत रात्रि से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने आसपास की कॉलोनी कस्बे की पोखरें जलमग्न हो गई। इसके किनारों पर बसे लोगों के घरों में पानी भर गया है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में संगेसरा गांव के प्राचीन मठ पर दशनाम जूना अखाड़ा के महंत रामचंद्र गिरी के सानिध्य में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का धार्मिक आयोजन होगा। महोत्सव के पहले दिन 18 जुलाई सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इधर आकोला कस्बा में नरसिंह द्वार मंदिर में स्वयं महंत नर्मदादास महाराज की स्मृति में पादुका के चरण में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पंचायत समिति के गांव ख्यालीवाला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी कर 5 दिनों से छात्र व ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर विधायक सोना देवी बावरी भी पहुंची, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभी तक मामले की कोई सुध नहीं ली। झालावाड़ की भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर खुला पड़ा नाला एक पखवाड़े में भी नहीं सुधर पाया। इसके चलते यहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा और नाला खुला होने से हादसे की आशंका बनी है। भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति के पीपल खेड़ा फीडर की बिजली पिछले एक सप्ताह से बिगड़ी है। पिछले कई दिन से बिजली नहीं आ रही है, फोन पर कर्मचारी सही जवाब नहीं देते, इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। करौली की मासलपुर पंचायत समिति में बारिश में बिजली की आग बिचौली ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ग्रामीण इलाकों में कई घंटे बिजली ठप होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे के तहसील मुख्यालय पर प्रशासन की लापरवाही के कारण सफाई नहीं होने से घरों के आसपास गंदगी जमा हो गई। बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति की नगर पालिका के कई वार्डों में सफाई कार्य सुचारू नहीं होने के चलते वार्डवासियों में आक्रोश फैला है। अवगत कराने के बाद भी कचरा नहीं उठाया गया है। झुंझुनू के खेतरी कस्बे में रह रहे भारी लोगों के लिए पुलिस सत्यापन की मांग उठी है। युवा कांग्रेस नेता रमेश पांडे ने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और SP सुरेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर इलाके में रह रहे संदिग्ध लोगों का सत्यापन कराने की मांग की। भरतपुर की नगर पंचायत समिति में करीब 2 माह पूर्व भवन मरम्मत पर लाख रूपये खर्च करने के बावजूद विद्युत निगम ने 132 kV GSS के नियंत्रण कक्ष की छत पिछले 3 दिनों से लगातार टपक रही है। कुछ कर गुजरने की चाहो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के अंकुर सोनी ने ओपन राष्ट्रीय स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। उनकी सफलता इसलिए अहम है क्योंकि इस छोटे से कस्बे में इस खेल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में इस खेल के बारे में सोचना और इस पर मेहनत करना बड़ी उपलब्धि है। अंकुर सोनी की जीत से कस्बे में खुशी का माहौल है। विधायक कंवर लाल मीणा और प्रधान मोहर्रम बाई तवर सरपंच निखिलेश नामा ने भी अंकुर का स्वागत किया। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।